हाँ जी नमस्कार, साथ ही जो आपकी ड्यूटी बनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरीके से, साथ ही बेल आइकॉन बना हुआ है घंटी से उस पर भी कर दो, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ अपलोड करेंगे तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, अब पंजाब टीवी हिंदी में भी सो कर लो सब्सक्राइब। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है जिसके चलते लोग शॉपिंग करने अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी शॉपिंग करने बाहर आए लोगों को ढोंगी बाबा बना रहे हैं अपना शिकार। इस बार भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है चंडीगढ़ के सेक्टर 37 से, जहां पर मोहाली से आए अमित राणा से तीन ढोंगी बाबाओं ने 18,000 रुपये लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाए जाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और उनका पीछा किया और सेक्टर 42 के चौक के पास सभी आरोपियों को दबोच लिया। क्या कुछ कहना है अमित राणा का सुनिए आप भी। जो होना था कराया, मैं फिर कॉम्प्रोमाइज कराया, कोई चक्कर नहीं। वैसे हुआ क्या था, कुछ थोड़ा सा बता दे। 37 पे बैठा हुआ था, मार्केट में एटीएम से कैश निकलवाया था मैंने। अच्छा जी। तो बस उसी बीच में वापस आए और थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल लग गया घर में कि फादर साहब ऐसे तेरे एक्सपायर हुए, उधर होएंगे, फलाना होगा, टिमका होगा, ऐसे बैठा हुआ था मैं जी। तो एटीएम से पैसे निकलवा के लेके आया, तो बातें करता रहा मेरे साथ इतनी देर जी। तो गाड़ी खुली थी मेरी जी, तो बैठा हुआ था मैं गाड़ी में, तो मदर और वाइफ 2 मिनट बाहर के लिए निकले पीछे से, मैं बैठा हुआ था अभी बंद ही कर रहा था गाड़ी में, तो बातें लग गए मेरे साथ करने। और जैसे मैंने थोड़ा उधर को मुंह किया, उसने पैसे छीने और गायब हो गया वहां से। हाँ सही, पैसे छीन दिए। हाँ वैसे यानी खड़े थे। अच्छा अच्छा। तब तक मैं गाड़ी गुड़ी बंद लगा कर, मैं तब तक वो पता नहीं किस गली को घुसा, मुझे पता नहीं चला। ओके। फिर उसी बीच में मैं मदर मदर आने लगे उधर, तो मैं क्या मम्मी पैसे लेके भाग गया। मम्मी कहते कितने, मैं क्या 18,000 थे। अच्छा जी। कहते किधर को गया, मैं क्या इधर को गया। फिर मैं 37 की जो क्वार्टर नहीं है सामने मंदिर के बैक साइड है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो उधर अंदर को घुसे। फिर मैं वहां से शोर मचाता हुआ निकला अंदर को, भाई अपना क्या कहते हैं, यहाँ से भी पापे गए हैं तीन। हाँ जी। कहते हैं हाँ जी अभी गए हैं जी, साइड को मुड़े हैं। बस वही शोर मचाता गया मैं आगे को कि भाई जिसको भी पकड़, जिसको दिखे वह पकड़ लेना उसको, जरा पैसे लेके भाग गया वो। फिर ये आगे जाकर टावर में पकड़े गए भाई, बस इतनी सी स्टोरी मिला था। तो यानी कि तो इनसे पैसे रिकवर हो गए आपके? हाँ जी हाँ जी, वो तभी ले लिए थे इनसे, पकड़े गए थे ना तभी। तो ये ट्रैफिक वाले पकड़े थे, कैसे पकड़े थे, क्या आपने पकड़े थे? भाई बात ऐसे है, जब तक मैं पहुंचा वहां पे यानी सब वहीं पे खड़े थे, ट्रैफिक वाले भी थे तो जो बाकी बंदे भी थे ना यहाँ के 37 वाले, हाँ जी, उन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। सबसे ज्यादा 37 सेक्टर के जो लोग थे ना, इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी आज सच में। ओके। मैं जैसे कहता हूँ एक अप्रिशिएट कैसे करूं, मुझे भी नहीं पता चल रहा अभी मैं कैसे करूं इन सबको। यानी बहुत इन्होंने अकेले भागते रहे, यानी वो इतनी तेज भागे गोली की तरह, यानी हम इतनी तेज दौड़ रहे थे सब, सबके हाथ में नहीं आ रहे थे हमको हमारे, यानी उनको एक एक गली का पता था कि किस गली से निकला जा सकता है और किस गली से हम अटावा तक पहुंचेंगे। क्या शुभ नाम है आपका जी? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका, पूरा नाम क्या है? अमित राणा भाई जी। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं न्यू चंडीगढ़। अच्छा, तो न्यू चंडीगढ़। मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया था। सच लिखना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। सच एवं हक की आवाज, दुनिया के हर एक कोने कोने की बातें, पंजाब टीवी करेगा सच का खुलासा। आप देखते रहिए पंजाब टीवी, सच एवं हक की आवाज।